तस्वीरें नारनौंद के गांव मौट की हैं, जहां देश में पहली बार हुई जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कुश्ती में अपना दम दिखाया। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित किया गया। बीच कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर आयोजकों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। बीच रेसलिंग की जूनियर नेशनल चैंपियनशिप पहली बार भारत में हो रही है और हमारे को गर्व है इस बात का कि वो पहली जो जूनियर बीच रेसलिंग हो रही है वो हरियाणा में हमारे गांव में हो रही है, तो ये हमारे लिए और गर्व की बात है। और यहाँ पर बड़ी खुशी का माहौल है और यहाँ बच्चे जो है सभी स्टेटों से, जम्मू कश्मीर से, उत्तरांचल से और कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सभी स्टेटों से और केंद्र शासित प्रदेशों से बॉयज और गर्ल्स सब आए हुए हैं। देखिए, नेशनल चैंपियनशिप अभी तक हम रेसलिंग मैट पे करा रहे थे और UWW का ये पहले से ही बीच रेसलिंग चला रहेगा। और बीच रेसलिंग अभी से नहीं, हमने फेडरेशन ने आज से 17-18 साल पहले भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो इनिशिएट नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है माननीय ब्रिजभूषण शरण जी, उन्होंने ये इनिशिएट लिया और उसका कार्यभार हमारे जो है रोहताजी को सौंपा। और उन्होंने जो पहला नेशनल अभी चेन्नई में कराया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसकी हमने रिपोर्ट UWW में भेजी, उन्होंने भी अप्रिशिएट करा इस चीज़ को। तो उसी को रखते हुए आगे ये तीन कैटेगरी में होता है, सीनियर, जूनियर और कैडेट। तो सीनियर उन्होंने करा दिया और बहुत ही जल्दी इन्होंने जूनियर भी करा दिया। ऐसा होता नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजर इतनी जल्दी जल्दी वो करा दे, लेकिन काफ़ी जल्दी इन्होंने करा दिया है। और बच्चे जो इसमें लड़ रहे हैं, रोहताजी ने कहा जी कम पार्टिसिपेशन इसमें भी नहीं आएगा। इसमें पूरी ऑल ओवर इंडिया से कम 23-24 स्टेट्स आएंगी और कुछ स्टेट्स की कुछ प्रॉब्लम थी जो नहीं आ पाई हैं, उन्होंने अपना रीजन दे दिया था। और जितने वेट क्लास होते हैं इसमें, चार वेट क्लास होते हैं, चार की होने की वजह से थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। और रूल्स के हिसाब से जो मैट की कुश्ती है वो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, तो काफ़ी लंबी चलती है। और इसमें एक ही राउंड होता है 3 मिनट का, और क्लासिफिकेशन पॉइंट भी तीन पॉइंट जिसने ले लिए और कुश्ती ख़त्म हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे उनको कई फ़ायदे होंगे, नौकरियों के लिए भी अप्लाई करेंगे अपने, और फेडरेशन भी डिपार्टमेंट्स को लिखेगी। कल अध्यक्ष साहब ने बोला कि हम इसको डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि नौकरी के लिए और प्रमोशन के लिए भी इनका पार्टिसिपेशन और मेडल को कंसिडर। जूनियर का भी, सीनियर का भी, कैडेट का भी, ये सही है कि बीच रेसलिंग का पहली बार जूनियर हो रहा है यहाँ हरियाणा में। अभी सीनियर हमने तमिलनाडु में करवाया था। ये हमारे भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष जी की नेतृत्व में, ये उनकी मतलब उन्होंने पहले आगाज़ करवाया कुश्ती का, क्योंकि वैसे तो कुश्ती ये नई नहीं है, बीच में तो वर्ल्ड में तो होती रहती है, विदेशी धरती पर तो बहुत सालों से हो रही है, वर्ल्ड कप भी, इंटरनेशनल भी, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार उनके आशीर्वाद से ये शुरू करी है हमने। और बच्चों का बड़ा मतलब प्रोत्साहन है और वो आगे आ रहे हैं इस गेम के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिलवाया है भारत के सभी खिलाड़ियों को, अगर जब भी बीच का विदेश की धरती पे कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, चाहे वो वर्ल्ड कप है या इंटरनेशनल है, और इंडिया में भी हम करवाएंगे इसका, तो हिंदुस्तान के खिलाड़ी वहाँ हिस्सा लेंगे जिस तरह मैट के लेते हैं, ठीक इसी। गांव मौट के सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग प्रतियोगिता का ओवरऑल खिताब हरियाणा के पहलवानों ने जीता। इस 2 दिवसीय रेसलिंग चैंपियनशिप में 24 प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया और पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।